स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। भैया देखिए, सारे कैमराज ना एक ही रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने चाहिए। अगर कोई कैमरा बंद हो गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बात बार बार बोल रही हूँ। मैडम 6 कैमरा लगाए हुए हैं, हर चीज दिखेगी, यहाँ तक कि बाथरूम में भी कैमरा है। अच्छा ठीक है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है भैया। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरा काम है, मैंने अच्छे से किया है। आप पैसे तो दे दीजिए। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। ये इस बंदे को अलग से पैसे क्यों दे रही है, जबकि होटल की सारी पेमेंट पहले ही हो चुकी है। इंतजाम तो उन्हीं का है सारा, ये क्या करने जा रही है? सर बस यही कुछ मिला है हमें मीका जी के फोन से, एक आध वीडियो और कुछ कॉन्टेक्ट्स बस। हाँ ठीक है, ये सब यहीं छोड़ दो और निकलो। ओके सर। और सुनो। जी सर। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो किसी को कुछ नहीं बोलना, और मीका को तो बिल्कुल भी। जी सर। अशोक सर ने मुझे खुद कहा कि बेबी तुम जल्दी से जल्दी अपना पासपोर्ट रेडी करवा लो और फिर मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। और तुम्हें पता है व्हाट इज द बेस्ट थिंग, कि वो जो उनकी डरावनी सी मंगेतर है ना वो वहाँ नहीं होगी, तो सिर्फ अशोक सर और मैं, ना ही कोई वेडिंग प्लानर, ना ही कोई वेडिंग। आई एम सो एक्साइटेड मीका। तो ये वीडियो बनाया था मीका ने, वो मुझे एक्सपोज करना चाहती थी, लेकिन फोन पर कॉफी गिरने से उसका प्लान खराब हो गया। लेकिन तुझे तो मेरी कोई बात समझ में आती नहीं है ना, कहा था इस आफत से दूर रहे, लेकिन तुझे मीका चाहिए। मीका मीका। हाँ परम बोल, क्या हुआ? अरे मीका यहाँ पे आई हुई है और बोल रही है कि अशोक जी ने उसको कुछ इंतजाम करने के लिए बोला है सूट रूम में। क्या? देख सकें, अशोक से बात कर। हाँ पर बोलो। मैं बोल रहा था कि मैं होटल में आया हुआ हूँ शाम का इंतजाम देखने के लिए। दूसरा मीका भी यहाँ पर आई हुई है। मैं किसी बंदे को पैसे दिए, पता नहीं कुछ बड़ा सेटअप सेट करवा रही है, बार बार आपके रूम में आना जाना हो रहा है। हाँ वो शगुन का कोई पर्सनल सामान छोड़ने आई होगी, करने दो। परम एक सेकंड होल्ड रखा और ध्यान से सारी बात सुनना। हाँ मीका बोल। हेलो अशोक, आप घर से निकल गए क्या? हाँ बस निकल गया। आप थोड़ी देर बाद आ सकते हैं क्या? वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं खुद होटल से बाहर आई हूँ, तो जब सब रेडी हो जाएगा मैं आपको फोन करती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, तुम तैयारी करो, जब हो जाए तो मुझे पता, आ जाऊंगा। ओके। अरे भैया आप जल्दी करो ना, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। मैडम मैं वाईफाई से ही कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। झूठ बोल रही है, यहीं पर किसी बंदे के साथ में आपके रूम में। एक काम करना परम, इस पे नजर रखना, ठीक है? अच्छा मतलब ये फुलझड़ी कुछ गुल खिलाने के चक्कर में है। चलो मजा आएगा अपन, मिलते हैं, देखते हैं। तो मीका का यूं मेरी तरफ हमदर्दी दिखाना सिर्फ एक नाटक था। असल में शी जस्ट वांट्स टू एक्सपोज मी। वो चाहती है कि मैं उस हनीमून स्वीट में जाऊं और वो वहां पर अपना कांड कर सके। आखिर है तो उस इशिता की बहन ही ना, उसने भी तो मेरे साथ यही किया था, होटल रूम में कैमरास लगाकर मुझे ट्रैप किया, जेल भिजवाया। तू शर्त लगा ले अशोक, मीका भी तेरे साथ यही करना चाहती। पागल हो गया क्या तू? तू बिल्कुल सही कहता था सूर्य। मीका मुझे ये कहते हुए पकड़ना चाहती है कि मैं शगुन से प्यार नहीं करता, सारे बिजनेस, फैमिली और क्लाइंट के सामने मुझे बेइज्जत करना चाहती है। सब कुछ प्लान है बस। तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? क्योंकि मुझे मेरा रास्ता मिल गया भाई। मतलब मतलब ये कि मिहिका समझती है कि वो मुझे फंसाने वाली, लेकिन मैं उसे फंसा, I'll just be the victim। और सारा इल्जाम रहेगा उस पर, कुछ ऐसा इल्जाम कि शगुन खुद ब खुद इस शादी से इनकार कर देगा। अब तो देख भाई, शिकारी खुद शिकार बनेगा। बस तू, मैं और परम उसके खिलाफ एक जाल बिछाएंगे। प्लान क्या है? बताता हूं। प्लान यही है कि मिहिका को करने दो जो वो करना चाहते हैं, बट विद अ ट्विस्ट। जी इंतजाम तो बहुत बढ़िया कितना है। दफा इस तो चंगा इंतजाम तो हमारी सोसाइटी के पूजा में होता है। ये शगुन की पसंद भी ना उसी की तरह बकवास है। और तुसी कादी तारीफ कर रहे हो? ए भाई वो तोशी जी ये सजावट जो है ना मीर ने करवाई है, शगुन ने नहीं। अच्छा हाँ। वैसे सजावट तो बड़ी सुंदर है। सुंदर है, बहुत सोना लग रहा है। मिहिर मिहिका ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है। मिहिका तो डाइनिंग में परफेक्ट है। मानना पड़ेगा भाई, बहुत हैवी अरेंजमेंट किया है। अच्छा सुनो, लिफाफा रखा ना तुमने? हाँ। कितना रहा? मतलब कितना रहा? वही जो डिस्कस किया था। Okay, that's great. There are no flowers in those vases then. Why? I want everything to be perfect. Nothing should be missing. कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे जाके पर्सनली बोलो। I don't want any kind of shortcomings. You understand? This is my sister's wedding. This is my organization. Get it? All right. Wait. भाई, क्या हो रहा है? हाँ चिल कर यार, ठंड रख। इतना हाइपर क्यों हो रहा है तू? अच्छा भाई, honest, no lies, हाँ? सच बताइए, सारा सेटअप, सारी अरेंजमेंट्स कैसी हैं? Are they good enough or not? Honest? Yeah. मना नहीं है। It could have been better. वो देख यार। Oh God. भाई प्लीज टेल मी व्हाट ऑल इज मिसिंग, मैं फटाफट अभी ऑर्गेनाइज करता हूं। नथिंग। शट अप। किडिंग विद यू। हाइपर मत हो, इट्स ब्रिलियंट, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यू नॉट लाइक डूड, शगुन विल बी प्राउड। शगुन को तेरे पे एक फक्र होगा, ट्रस्ट मी। भाई सब कुछ तो आपसे ही सीखा है, और उस दिन जो आपने मुझसे बात कही थी, थैंक्स फॉर दैट। रिलैक्स यार। और वैसे भी देखना, बहन की शादी में कितना काम होता है, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। याद है जब सिम्मी दीदी की शादी हुई थी, 4 दिन आप सोई नहीं थे, आपकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई थी कि आंटी जी को ना ही घर बुलाना पड़ा, आपको बिठाना पड़ा, शेव करनी पड़ी, मुझे अच्छी तरह याद है। बारात के आधे घंटे पहले तक तो मैं बनियान में था, कपड़े नहीं लेके आया था भाई मुझे। अरे मिहिर बेटा, मुहूर्त का समय बता दिया था, सब काम समय पर होना चाहिए। अरे पंडित जी, जिस देश में गवर्नमेंट 5 साल बोल के 3 साल में कट लेती है, वहाँ कहाँ टाइम कर रहे हो आप? रिलैक्स करो यार, हो जाएगा सब। उसकी भी ऑर्गेनाइजेशन कर दी, इशिता भाभी को शगुन पे लगा दिया, शील बी हेयर ऑन टाइम। लेकिन जो हमारे दूल्हे राजा हैं गॉडजिला, वो अपनी नहीं सुनते, मेरी क्या सुनेंगे किसी और की। लात मारते हुए आऊंगा मंडप में उसको, टाइम पे आएगा। लेकिन भाई फोटोज में पिटा हुआ दिखेगा, क्या फायदा। डोंट वरी। अरे सुन, मिहिका कहाँ है? तो वेडिंग प्लानर जिसने सब किया है वो कहाँ है? वो यही कहीं, आई डोंट नो वेयर शी इज। वेयर शी? गो लुक फॉर हर। आई विल दैट्स इट। हाइपर। वाओ, लाइक इट। तुम्हारी पसंद को ध्यान में रख के बनाया है। इस रूम के सारे फ्लावर अरेंजमेंट्स सिर्फ तुम्हारी पसंद से बनाए गए हैं। अगेन शगुन का तो मुझे पता नहीं, तो तुम ही मुझे बता दो क्या करना है। वैसे तुम आज यहाँ दूल्हे बन के क्यों आए हो? शादी तो नीचे ही है ना, मैंने सोचा थोड़ी फील ले लेता हूँ। कमरे की डेकोरेशन देखने के बाद चले जाऊंगा वापस अपना वेलकम करना। अब बारात सूरज ले आएगा। वैसे भी मैंने कौन सा घोड़ी पे आना था। तुम और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा पसंद था मुझे। वैसे ये बेड तुम्हारी पसंद से बनाया गया है। शगुन का कम हैव अ लुक। मुझे इससे मेरे लिए प्यार का कन्फेशन चाहिए। जैसे ही उसने कन्फेस किया, ये ड्रामा ख़त्म, और इसकी असलियत रिकॉर्डेड फुटेज के थ्रू शगुन के सामने आ जाएगी। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा, इतना सब कुछ मेरे लिए किया। तो फिर और किसके लिए? क्या करूं? फीलिंग्स है ना। फीलिंग्स पहले कहाँ थी? हमेशा से थी। But come on Ashok, you know the old trick, playing hard to get। मर्दों को जितना टहलाओ उतना पीछे भागते हैं। Oh Mihika, such tease। लेकिन अब तो मेरी शादी है कुछ ही घंटों। तुम्हारी शादी है कुछ ही घंटों बाद, लेकिन उससे पहले कुछ तो हो सकता। कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता। पर शगुन, फाइनली वो दिन आ गया। Can't believe it। आज मेरी शादी हो रही है। Me and Ashok, तुम और रमन, it's all turned out to be so perfect, really। इशिता, आज के बाद हमारे बीच no कड़वाहट, only happiness। Absolutely। आज के दिन को तुम सिर्फ enjoy करो। आज का दिन तुम जिंदगी में नहीं भूलोगी। Thank you so much। अच्छा, मैं अशोक को एक लास्ट कॉल कर लूं? I mean, girlfriend boyfriend conversation। Hi Shagun। Hey baby, ready हो? मैं तैयार। Wow, आज तो पहली बार तुम टाइम पर रेडी हो गई। Don't worry, मैं भी रेडी। मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। Can't wait to see you, दूल्हे के रूप में। Oh my God। Oh, मैं भी बेबी। आज तो तुम ऐसी दिखोगी कि देखने वाले भूलेंगे नहीं कभी। आज मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि तुम थोड़ी नहीं चढ़ना चाहते हो, पर हो तो मेरे सपनों के राजकुमार ना। Yeah, see you soon। अच्छा listen, don't be late, okay? Don't worry, I won't be late। I love you। I know। Bye। See you। ड्राइवर, और कितनी देर? जल्दी चलाओ ना। कितनी जल्दी हो रही ना हमारी दुल्हन को। भैया जल्दी चलाओ, किसी को बहुत जल्दी है शादी करने की। पहुंचने वाली है वो, अब तो जाना होगा। तुम क्यों फिक्र करते हो, थोड़ा और इंतजार करने दो उसे। हमेशा के लिए इंतजार करा सकते हैं। आइडिया बुरा नहीं है वैसे, हमेशा के लिए इंतजार करवाते हैं। सोच लो, मंडप तैयार। सोच लिया मैंने तो हमेशा अपने दिल की सुनी, और मेरे दिल में तुम बसी हो। शगुन की मुझे कोई परवाह नहीं। तो छीसा के रिश्ते को तुम यूं ही तोड़ दो? वो रिश्ता पुराना और बासी हो चुका, बदबू आती है उसमें से। It's boring। झूठ। शगुन को फंसाने के लिए यही कहा था तुमने। मुझे भी बस फंसा ही रहे हो तुम। तुम अपने आप को शगुन से कंपेयर कर रहे हो। शगुन तो सिर्फ एक डेस्परेट हाउसवाइफ थी मेका, लेकिन तुम एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट और अट्रैक्टिव लड़की हो। तुम में तो वो कशिश है जो किसी भी आदमी को बंदी बना दे। इंटरेस्टिंग भी हो, सो कभी बोरिंग तो हो ही नहीं सकते, राइट? शगुन तो सिर्फ पैसे के भूखे थे, लेकिन तुम, यू आर ब्यूटी विद ब्रेन्स। सोच लो, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हें भी तो यही सब कुछ लुटाने के लिए। ठीक है, तो ढंग से मुझे प्रपोज करो। अशोक खन्ना, प्रपोज टू मी। ठीक है, मिहिका, आई लव यू। जब से तुम्हें देखा है, तुमने मुझे दीवाना बना दी। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो। शादी मुझसे? हाँ, आज इसी वक्त मंडप भी नीचे लगा हुआ है, तो सारी दुनिया के सामने अपना हाथ मेरे हाथों में दे दो और कह दो कि तुम सिर्फ मेरी। ये तो बात बहुत आगे बढ़ रही है। मुझे ये गेम यहीं बंद करना होगा, और वैसे भी मेरे पास इनफ प्रूफ है शगुन को दिखाने के लिए। काम ऑन अशोक, सबके सामने अपने होने वाली बीवी का दिल तोड़ दोगे और मुझसे शादी करोगे? I don't think so। बेचारी कितना ट्राई मार रही, मैं भी थोड़ा आसान कर देता हूँ। खेल का मजा तो तब आएगा जब ये पूरी तरह से बहक जाए। इतना टाइम नहीं है सोचने के लिए। शादी करनी है तो अभी चलो, सबके सामने कह दो कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, शगुन से नहीं। मैं भी शक है मुझ में, तो चलो। ऐसे नहीं अशोक, पहले मुझसे शादी कर लो। अगर मैं भी वही गलती कर बैठी तो तुम भी मुझे शगुन की तरफ बासी कहने लगोगे। इतनी जल्दी नहीं। ओ मेघा, मैंने कहा ना, तुम शगुन की तरह बेवकूफ थोड़े ना, तुम तो स्मार्ट हो। इतनी जल्दी क्या है, पहले शादी कर लेते हैं फिर। ओ कम ऑन, शादी के बाद तो हमें बहुत से काम करना है, लेकिन उससे पहले let's have a drink, just to relax। और वैसे भी नीचे जाकर बहुत सा ड्रामा होगा। शगुन रोएगी, रमन चिल्लाएगा, और इशिता, well इशिता वो अपने लेक्चर्स देगी। बेबी, इस गेम में तो तुम नहीं आई हो, मैं तो बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। बस ड्रामा तो अब होगा। So, let's have a drink to Ashok and Mihika। एक नई शुरुआत। मैं हूं ना, I'll take care of them, I'll handle everything। रमन शगुन को देख रहे हैं। उनके पुराने जख्म ताज़ा हो गए या पुरानी शादी याद आ रही है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।